मासूम गुड़िया को इंसाफ दिलाने के लिए देश के कोने कोने में प्रदर्शन हो रहे हैं, उसकी सेहत के लिए दुआ की जा रही है। दुआओं का ही असर कहिए कि गुड़िया की सेहत में लगातार सुधार भी हो रहा है। मासूम गुड़िया के दर्द से जुड़ चुका है देश का रिश्ता। देश के कोने कोने में गुड़िया की खातिर इंसाफ की लौ जलाई जा रही है। गुड़िया की सेहत के लिए दुआ की जा रही है। गुड़िया का दर्द अब पूरे देश का गुस्सा और संघर्ष बन चुका है। करोड़ों दिलों से निकली दुआओं का असर हो रहा है। सच्चे मन से मांगी मुरादों का असर हो रहा है। हमारी आपकी गुड़िया सलामती की ओर बढ़ रही है। बेशक धीरे धीरे ही सही, देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स में भर्ती गुड़िया अब खतरे से बाहर है। कॉन्शियस है, अलर्ट है, अपने पेरेंट्स से, नर्सेस से, डॉक्टर से बातचीत कर रही है। ओवरऑल मैं ये कहूंगा कि बच्ची की हालत में लगातार सुधार हो रहा है। डॉक्टरों की नजर लगातार गुड़िया पर बनी हुई है। हर पल गुड़िया की सेहत की निगरानी की जा रही है। दवा और दुआओं का असर भी हो रहा है, इसलिए तो गुड़िया के स्वास्थ्य के सभी मानक स्थिर हैं। अब वो होश में है और बातें कर रही है। उसकी सेहत में लगातार सुधार हो रहा है। हालांकि एम्स के डॉक्टरों ने कहा है कि गुड़िया को ठीक होने में अभी कुछ वक्त लगेगा और उसे 15 दिनों तक अस्पताल में ही रुकना होगा। गुड़िया भले ही खतरे से बाहर सही, लेकिन अभी उसे दुआओं की जरूरत है। इंसाफ की जंग जीतने के लिए ताकत की जरूरत है और इसीलिए देश भर में जलाई जा रही है इंसाफ की लौ। गुड़िया के लिए सेहत की दुआ करने वालों के लबों पर फरियाद है, इंसाफ की आवाज है। गुड़िया को बचाने की तमन्ना है। ऊपर वाले की इच्छा हुई तो ये तमन्ना जरूर रंग लाएगी। आज तक ब्यूरो।